हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में एक बार फिर मैं और रस्ती भाई आ गए हैं यहाँ कैंपिंग करने। लकड़ी अकड़ी सब जंगल से बीन के लेके आया मैं। उसके बाद में यहाँ पर हमने ये अपना प्यारा सा चूल्हा बनाया था, जिसमें हमने अपनी कैटल में अपने लिए चाय बनाई थी। और अब भाई टाइम हो गया है कि कुछ खाने का बना लिया जाए। और यहाँ से भाई ये सब बिल्कुल स्ट्रेट है, यहाँ पर बस पैदल आप आ सकते हो या फिर रस्ती से आ सकते हो। और ये देखिए आप, चारों तरफ बिल्कुल ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहाँ से आप इसको चढ़ा के लाया जा सके। और सिर्फ़ रस्टी ही भाई यहाँ से आ पाता है। ये ऐसी जगह है भाई, यहाँ से सिर्फ रस्टी निकल सकता है, कार को निकालना बहुत मुश्किल है। तो भाई टाइम हो गया है, कुछ नूडल बना ली जाए। और ये भाई टॉर्च बहुत काम करती है, इससे आग आग जलाने में काफ़ी सपोर्ट हो जाता है। पानी भी खत्म हो रहा है अपने पास। बिना विंडशील्ड के भाई यहाँ पे मैगी बना पाना, कोई भी चीज बना पाना विंडशील्ड के बिना बहुत टफ है। आज हवा इधर से आ रही है, बढ़िया। अब जल्दी से अपना पानी बॉयल हो जाता है और एक नूडल अच्छी सी बना लेते हैं। क्या करें भाई, सुबह अगर कुछ आलू आलू पराठा वराठा कुछ बनाऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा। इस बारे इंस्टेंट कुक वाली चीज़ें इस्तेमाल कर लेता हूँ। और लंच में देखेंगे भाई, ज़रूर कुछ ना कुछ बनाऊँगा। आज मैं दो तीन चीज़ें सीख के आया हूँ। और बाकी लंच में भाई दाल चावल बनाएंगे आज, देखेंगे भाई दाल चावल हमारा कैसा बनता है। डाल देते हैं इसका सामान। और ये गया हमारा टेस्ट मेकर जल्दी से। तो फ्रेंड्स, ये अपना नूडल्स देखिए क्या मस्त बॉयल हो रहे हैं। यहाँ किसी का ये डॉगी भाग के आ गया है। कहाँ जा रहे हो भाई? प्यारा सा है यार, वाइट है बिल्कुल। भूख लग रही है बहुत तेज। भाई बहुत मेहनत के बाद मिलती हैं ऐसी चीज़ें खाने के लिए, तो इसलिए भाई बहुत टाइम लग जाता है और मज़ा बहुत आता है। मज़ा आ गया। एक नंबर बना भाई। तो अभी यहाँ लोकल के ही कोई भाई साहब थे, उन्होंने बताया है आगे जा करके बड़ा प्यारा सा व्यू है। तो भाई मैंने कहा चलते हैं भाई, देख के आते हैं, थोड़ी सी ट्रैकिंग भी कर लेते हैं। और रस्टी ऊपर खड़ा ही है। अरे यार, ये तो बड़ा खूबसूरत है भाई, मैं तो सोचा नहीं था कि इतना प्यारा सा है यहाँ पे। वाह, वापस ट्रैकिंग करते हुए रस्टी के पास चलते हैं। नींद आ रही है बड़ी जोर की। मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ी देर सो लिया जाए, फिर उसके बाद कुछ देखा जाएगा।
अरहर की दाल बनाएंगे और बनाएंगे थोड़ा सा चावल। लंच टाइम हो गया है तो इस वजह से थोड़ी सी प्याज डालेंगे इसमें। और क्या बताया था, दाल डालनी है, प्याज दाल लहसुन जो कुछ वो सब भाई डाल देना है। पहले प्याज काट लेता हूँ। थोड़ी सी भाई ये दाल है जिसमें डाल दी हमने, और थोड़ी ये प्याज डाली जाएगी। अरे यार नमक कांगे में चाय पत्ती डाल रहा हूँ। तो ये सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देता हूँ, सब मसाले भाई देखा जाएगा। भाई दाल बनानी भी आ गई है मुझको, बस अब ऐसे ही धीरे धीरे भाई चीजें बनानी आ जाएंगी। हाँ ढक्कन भी तो बंद करना होता है भाई। भाई तड़का भी मार सकते हैं ऑयल में, पर मैं ऐसे ही डाल देता हूँ, ऑयल डालने की जरूरत ही क्या है। दाल बन गई बहुत बढ़िया, और ये दाल को डाल देना है इसमें। अब बस अब इसमें चावल बनाना है भाई। इसमें चावल है अपना, और दाल अपनी यहाँ रेडी हो चुकी है, जो कि अकेले के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, पर बनी अच्छी है यार, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी बन गई। अब जल्दी से चावल अपना बन जाए। भाई गजब ही बना है चावल, मज़ा आ गया। तो भाई चावल भी बढ़िया बनाना आ गया। वैसे ये है कि मेरा थोड़ा ज़्यादा बन जाता है खाना, दो जने खा लेते हैं। तो ये देखिए भाई अपना दाल चावल, और भाई दाल भी देखिए कितनी ज़्यादा बना दी है मैंने। और बाकी दही था मेरे पास में, तो उसमें मैंने प्याज डाल के रायता बना डाला है एक बढ़िया सा। दाल चावल और थोड़ा रायता खा के आराम से भाई सोएंगे बैठ के। अब तो भाई अब मुझे दाल चावल बनाना भी आ चुका है। ऐसी वादियों में आके अपने हाथ का बनाया हुआ दाल चावल और थोड़ा सा रायता मिल जाए तो और क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में, मज़ा आ गया। और भाई इस चीज़ में टेस्ट सबसे ज़्यादा तब आता है जब आपको भूख लगी हुई हो कायदे से। सबसे ज़्यादा अच्छा तो वो व्यू लगा था भाई, जो पत्थरों के ऊपर बैठ के काफ़ी देर में वहाँ पर बैठा और बहुत मज़ा आया। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने। यहाँ पर नीचे एक बहुत अच्छी सी जगह थी जिसे मैं देख करके आया, और नीचे ट्रैकिंग भी करी। तो भाई इसी के साथ आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। थैंक यू।